मुद्दा ये है अध्यक्ष जी, मैं कल यहाँ सदन में नहीं थी, लेकिन आपकी अनुमति से श्री यशवंत सिन्हा जी ने एक विषय उठाया था और चाहा था कि प्रणब मुखर्जी जी उसका जवाब दें, लेकिन बजाय प्रणब मुखर्जी के जवाब देने के यहाँ तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम आए और उन्होंने बजाय एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन के अपने पुत्र का एक पत्र पढ़ा। मैं केवल आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि हमारे नियमों में पर्सनल एक्सप्लेनेशन का भी प्रावधान है और सुओ मोटो स्टेटमेंट का भी प्रावधान है, लेकिन उन दोनों का नियमावली में कोई नियम लिखा है कि पहले वो अध्यक्ष को बताते हैं कि हम पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं या हम सुओ मोटो स्टेटमेंट देना चाहते हैं। अध्यक्ष उसकी एडमिसिबिलिटी तय करके उसकी इजाज़त देती हैं, उसके बाद वो ऑर्डर पेपर में यानी जो कार्य सूची आती है लिस्ट ऑफ बिजनेस उसमें लगता है, और अगर वहीं की वहीं भी दिया जाए तो बटता है, उसके बाद वो पर्सनल एक्सप्लेनेशन देते हैं। उन्होंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन न देकर के अपने पुत्र कार्ती ने क्या कहा वो यहाँ पढ़कर सुनाया और हमारे लोग कहते रहे कि आप किस नियम के तहत पढ़ रहे हैं, आप बताइए आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या सुओ मोटो स्टेटमेंट दे रहे हैं। पुत्र का पत्र अगर यहाँ पढ़कर सुनाने की इजाजत दी जाएगी तो कल को तो कौन पता नहीं कौन कौन अपने अपने परिवार के सदस्यों का क्या क्या यहाँ पड़ेगा। यहाँ मामला सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का होता है, मेंबर और मिनिस्टर के बीच में होता है, मिनिस्टर अपनी बात कहे वो भी समझ में आता है, लेकिन पुत्र के पत्र उसमें भी ईसा मसीह की नसीहतें पुत्र के माध्यम से कि ये लोग अज्ञानी है, जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, अगर इसकी इजाजत यहाँ दी जाएगी तो कैसे होगा। इसलिए मेरा निवेदन प्रणव दास से नहीं है, वो जवाब दें, जो आपने इश्यू उठाया आप जवाब दें, मेरा निवेदन आपसे है कि तत्कालीन सभापति ने इसकी इजाजत क्यों दी और चिदम्बरम साहब ने ये किस नियम के तहत ये पढ़ा। ये मामला पॉइंट ऑफ ऑर्डर का है, ये मामला पॉइंट ऑफ प्रोप्राइटी का है, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि चिदम्बरम ने जो बयान यहाँ पढ़ा वो किस नियम के तहत पढ़ा। इस सदन में नियम की अवहेलना हुई, कार्यकर्ता के रूल्स की अवमानना हुई, ये मैं विषय आपके सामने रखना चाहती हूँ।